गोरखाओं की आवाज को सुनने को तैयार है। दार्जिलिंग पहाड़ में जिस तरह से दमनपुर अंचल में विशेष करके वहाँ की राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार दार्जिलिंग में जिस तरह से पूरी से दमनपुर अंचल चला रही है, भारत एक देश है और इस देश की नागरिक की जिम्मेवारी, नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेवारी इस देश की सरकार की है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार आज भी पश्चिम बंगाल को ही एक देश के रूप में शासन कर रहा है। हम इस देश की सरकार को न्याय मांगने के लिए दिल्ली आए, क्योंकि अलग राज्य को गोरखालैंड देने की बात जो है वो अधिकार भारत केंद्र सरकार की क्षमता के ऊपर है। लेकिन आज भारत सरकार जिस बहानेबाजी करा रही है उसे गोरखा पीछे हटने वाली नहीं है। दबी नहीं है, जितनी वो दबा रही है उतनी ही वो प्रेशर से अगर इस छलांग अगर उल्टी छलांग मारेगी तो ये न्यूटन की थर्ड लॉ जो है वो लागू होगी। इसलिए बंगाल सरकार को और केंद्र सरकार को ये समझना है, क्योंकि गोरखा जो है वो देश की रक्षा करने वाले हैं। बस देश की रक्षा करने वाले गोरखाओं के ऊपर जिस तरह से दमन पीड़न चला रही है वो अगर उल्टी हवा पड़ गई तो देश को भी मुश्किल झेलनी पड़ेगी। इसलिए हम केंद्र सरकार को अपील करते हैं इस देश को एक कंप्लीट देश बनाने के लिए, इस भारत को एक कंप्लीट भारत बनाने के लिए गोरखाओं की कंट्रीब्यूशन आज तक जो रही है, अगर गोरखालैंड राज्य बनेगी तो और ये भारत और सशक्त बनेगी। अभी तक आपको किस पार्टी? अभी तक तो देखिए अभी साल होगा इसमें आपको राष्ट्रीय पार्टी है। ये लोग सिर्फ देशर में हमारा समर्थन करते हैं, लेकिन जब जब ये लोग संसद में आते हैं अपना सरकार बनाने के वास्ते तब ये लोग ये बात ही भूल जाते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात ये है, क्योंकि जो अब आज का जो केंद्र सरकार है उसका अपना लोकसभा मेंबर है दार्जिलिंग से आलूवालिया जी, और उसका जो मोदी जी अभी का प्राइम मिनिस्टर है वही ये लोग भी बातें कर रहे थे जब इलेक्शन हुआ था। तो आपको लगता है कि सरकार की तरफ से अनसुनी किया गया? हाँ, अनसुनी लिया गया और इसको इग्नोर कर लिया गया है और बार बार इसको एक इलेक्शन का सिस्टम बनाने का है। इसलिए हम जोर दे रहे हैं कि सारे के सारे जो हिंदुस्तान में जितने भी दूसरे पार्टी लोग हैं, दूसरा कम्युनिटी का लोग है, डेमोक्रेटिक लोग, डेमोक्रेटिक लोगों का समर्थन के बगैर ये आंदोलन ये मांग पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हम सभी
कम्युनिटी के लोगों को गरीब लोगों को हम कर रहे हैं, इसके वास्ते हम लोग यहाँ दिल्ली में आए और उसका वहाँ पे पहचान को काम करना चाहते हैं। हम भारतीय हैं और हम चाहते हैं कि लोग भी हमें भारतीय समझें, एकदम जाने हमें देखते हैं। इसलिए कि उसमें पश्चिम बंगाल सरकार का एक्चुअली कुछ भी उनका रुख तो हमेशा यही है, क्योंकि फायदा हमारे से ही है। 45% जो भारत का है वो हम कमाते हैं, वो तो देना नहीं चाहेंगे। लेकिन ये मांग है जिसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए हम केंद्र से मांग कर रहे हैं कि हमें अलग राज्य घोषित किया जाए। मेरा नाम ऋषिका छेत्री है और मैं गोल्ड पार्टी का मेंबर हूँ और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ। अच्छा, तो आप कैसे वहाँ पर? एक्चुअली देखिए, वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, फूड एक्ट का वायलेशन हो रहा है, कोई नया साथ नहीं करके लेके जा रहे हैं, मन चाहे कुछ भी हो रहा है, आप कुछ भी कर सकते, ऐसे ताना सही चल रहा है। इसलिए 110% सच्चाई है, 110% आई कैन गिव यू द प्रूफ ऑल्सो, बिकॉज आई हैव गॉट द इविडेंस ऑल्सो। लास्ट टाइम व्हेन वी वर डूइंग आवर रिलीफ थिंग्स ऑल्सो, वो लोग सीधा से दिखाई देते मांग लेते हैं, पैसा का सामान लेके जा रहे हो, आधा पैसा हम लोगों को दो, फिर हम लोग सामान ले जाने देते, इस टाइप का हो रहा है वहाँ पे। या ये पुलिस कर रहे हैं वहाँ पे, आई हैव गॉट द इविडेंस ऑल्सो। तो क्या आप कैसे यूज करेंगे, क्या आप इसको सरकार तक पहुंचाने का कोई तरीका? सरकार तक पहुंचाने के लिए तो हम लोगों को इंडिया गवर्नमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कानून में बहुत ज़्यादा भरोसा है, और मैंने ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स कमीशन में केस फाइलिंग कर चुकी हूँ। जो 12 लोग शहीद हुआ था वहाँ पे, उसका भी मतलब एकदम सिर पे गोली ठोके या यहाँ पे गोली ठोके या यहाँ पे गोली ठोके मार रहा है, ठीक है? तो ये तो सरासर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। देखिए, गोरखालैंड एक कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड है और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम लोग डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मांग रहे हैं। ये नहीं कि गोरखालैंड नहीं, जब संविधान में लिखा है कि गोरखालैंड होगा चाहिए, तो हम लोग ये फॉलो करें तो बंगाल सरकार क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है वो क्यों तैयार होंगे इस बात के लिए? एक्चुअली देखिए, जितना भी रेवेन्यू है बंगाल में, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम लोगों का दार्जिलिंग क्षेत्र से ही जाता है, गोरखालैंड क्षेत्र से ही जाते हैं, और मेन प्रॉब्लम ये है कि वो रेवेन्यू छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन हम लोगों को बंगाल से सेपरेशन चाहिए, बिकॉज दार्जिलिंग वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ इंडिया। हाँ, गोरखाओं का ताकत बन चुका है, क्योंकि देखिए आज जितना भी रैली में लोग आया है, समस्त देश विदेश से भी आया है और पूरा 89 स्टेट से भी आया है, तो हम लोगों का यूनिटी दिखाते हैं। गोरखालैंड का इशू जो है, अब ये एक रीजनल इशू नहीं रहा है, अब ये एक नेशनल इशू बन गया। तो कहाँ कहाँ से लोग आज इकट्ठे हुए हैं इस आंदोलन में? आज हमारा भारत के 29 स्टेट से लोग आए हुए हैं, और इसके साथ साथ में गोरखा केवल नहीं, अदर स्टेट से लोग, अदर कास्ट भी आए हुए हैं, जैसे यूपी से मौर्य लोग आए हुए हैं, बाबा कोमर जी आए हुए हैं, जो नेशनल जो फेडरेशन है उसके लीडर भी आए हुए हैं। इसी तरह से हमारा दार्जिलिंग से, पूरा असम से, मेघालय से, सारे जगह से ये पोलिटिकल लीडर भी आए हैं, पोलिटिकल लीडर भी आए हैं। और मेन मकसद ये है कि गोरखालैंड मतलब नहीं होगा, जीत पीपल इज इससे इसी तरह से लड़ते रहेगा और आगे जाके भविष्य में, और इस आंदोलन को बड़े से बड़े हमें रूप देंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई जितने भी ये MP वगैरह है, जितने भी लोग लोकसभा का है चाहे राज्यसभा का है, हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं उन लोगों से मिलके, हम लोग बहुत आगे बढ़ानी है इसमें। तो ये कर रहे हैं कि भाई हम आज बाहर ममता बनर्जी दमन नीति करके हमारा लोगों को जो 100 था उसको दमन नीति करके हमें लोगों को उन्होंने खरीद के, हमारे लोगों को खरीद के आज वहाँ का लोगों आम जनता को 5 दिन का जो स्ट्राइक था उसमें बहुत चीज़ें हम लोगों ने कमाई है, लाखों लोगों ने पैसे घुमाया, उनकी बच्चे ने पढ़ाई घुमाई है। इस तरीके से ये अन्याय को बंगाल गवर्नमेंट ने इतने पुलिस लगा के, फोर्स लगा के हम लोगों के साथ इतना अत्याचार किए। और आपको नहीं लगता कि उसी संघर्ष का नतीजा है कि आज आप सब एकजुट हो? हाँ, इसीलिए ये मकसद ये है कि हमारा ये आज जितने भी एकजुट हुए पूरा नेशनल से 29 स्टेट से आज भारत में यहाँ लोग हम जो इकट्ठे हुए ये गोरखालैंड के, और हमारा यही मांग है आखिर सांस तक हम चाहे एक रहेंगे तक हमारे गोरखालैंड मांग रहेगी। पर सर 100 साल से ऊपर हो चुके हैं इस मांग के लिए, अब लगता है कितने टाइम और लगेगा? नहीं, ये 100 साल लगे और कोई दिक्कत नहीं है हमें, और 25 साल लगे, 30 साल लगे, हम जंग इस लड़के रहेंगे।